स्वागत है आप सबका टू मिनट सीरीज में आज हम इनवायरमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो की है इंडियन वाइल्ड आस उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे आ, देखो जो स्पीशीज हैं वो प्रिल्स में हर साल पूछी जाती हैं सिर्फ मूड क्वेश्चन ये है कि कौन सी स्पीशीज पूछी जाएंगी और वो आपको आती हैं कि नहीं राइट एंड वी ऑल नो बहुत सारी स्पीशीज हैं जो न्यूज में भी रहती हैं तो उनको याद करना टूवर्ड्स दी एंड बहुत मुश्किल हो जाता है सुर एक ही तरीका बचता है कि यू रिवाइज़ देम अगेन एंड अगेन एंड इवन आर टू मिनट सीरीज इज़ अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन टू मेक यू रिवाइज डिफरेंट स्पीशीज डिफरेंट सेंचुरीज ताकि उससे रिलेटेड अगर प्रलम्स में क्वेश्चन आए तो आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाए राइट सो शुरू करते हैं इंडियन वाइल्ड एस के साथ uh, इंडियन वाइल्ड एस शुरू करने से पहले एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है एशियाटिक वाइल्ड एस देखो एशियाटिक वाइल्ड एस में दो सब स्पीशीज हैं इंडियन वाइल्ड एस जो कि हम इस वीडियो में डिटेल में करेंगे और टिब्बटिन वाइल्ड एस ठीक है जो टिबिन वाइल्ड एस है वो भी इंडिया में मिलता है लेकिन वो कहां मिलता है इंडिया में लद्दाख में और जो एशियाटिक वाइल्ड एस की सब स्पीशीज है इंडियन वाइल्ड एस वो कहाँ मिलता है इंडिया में सिर्फ लिटिल रन ऑफ कच्छ में तो इंडिया में वो कच्छ में मिलता है लिटिल रन ऑफ कच्छ लेकिन बाहर अगर हम इंडिया के बाहर देखें तो आपको पाकिस्तान अफगानिस्तान इवन साउथ ईस्टर्न आसान ईरान में भी मिलता है राइट सो वेन वी टॉक अबाउट इंडियन वाइल्ड एस राइट right, तो हमारे पास इसकी जो स्पीशीज है इक्वस हेमीओनस खर देखो इक्वस हेमी ओनस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ एशियाटिक वाइल्ड एस जब उसके आगे खर लग गया तो वो सब स्पीशीज है इंडियन वाइल्ड एस अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड अगेन एशियाटिक वाइल्ड एस एक स्पीशीज है उसके आगे वी हैव इंडियन एंड वी हैव टिबिन टिब्बिन भी इंडिया में मिलती है टिबिन लद्दाख में मिलती है टिब में तो मिलेगी ही और अगर हम इंडियन वाइल्ड एस की बात करें तो वो आपको लिटिल रन ऑफ कच में ही मिलती है इंडिया में राइट सो इट इज़ फाउंड इन लिटिल रन ऑफ कच एंड अदर एरियाज इन गुजरात ठीक है और अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें ना तो सिलाइन डेजर्ट जिनको रन भी कहा जाता है एरिड ग्रासलैंड्स एंड श्रब लैंड्स आर इट्स प्रेफर्ड इनवायरमेंट ठीक है सो आई होप इट इज़ क्लियर जब हम एशियाटिक वाइल्ड आस न्यूज़ में पढ़ते हैं और इंडियन वाइल्ड आइस पढ़ते हैं तो उसमें क्या फ़र्क है इंडियन वाइल्ड आस इज़ द सब स्पीशीज ऑफ एशियाटिक वाइल्ड एस और इंडियन वाइल्ड आस इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट इंडियन एनिमल 60, 70, 80 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड रहती है इसकी एंड इट फीड्स ऑन ग्रास लीव फ्रूट्स ऑफ प्लांट एंड सिलाइन वेजिटेशन और ये जो ग्रेजिंग है ना इसकी डॉन और डस्क के बीच में होती है ठीक है सो डॉन और डस के बीच में ग्रेस करते हैं और ये मोस्टली सॉलिटरी अकेले ही रहते हैं ठीक है अब थ्रेट्स क्या है क्यों हम इसको इतना आ, इसके बारे में इतना पढ़ रहे हैं तो जो इसकी पॉपुलेशन है लिटिल रन ऑफ कच्छ में ही है या उसके सराउंडिंग एरियाज में है राइट बट मेजरली लिटिल रन ऑफ कच्छ में ही आपको मिलता है और वहां पे भी बहुत सारे थ्रेट्स फेस करने पड़ रहे हैं इन्हें फॉर एग्जाम्पल देखो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ बढ़ रही है एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटीज बढ़ रही है वो तो ऑब्वियसली इसको थ्रेटिन करती ही है उसके अलावा जो नर्मदा डैम प्रोजेक्ट है विच हैज़ एक्चुअली रिजल्टड इन अ लॉट ऑफ कनाल्स उसकी वजह से भी जो इसका हैबिटा

तो इनकी ब्रीडिंग भी डिक्लाइन कर गई है देन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस जिसकी वजह से जो लैंड था वो इरीगेटेड फील्ड में कन्वर्ट हो गया है अगेन हैबिटेट हैज डिक्रीज ठीक है सो बेसिकली हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन ड्यू टू डिफरेंट रीजन ठीक है उसके बाद रिलीजियस एक्टिविटीज कैटल ब्रीडिंग एक्सेट्रा ये सब भी रीजन है उसके बाद प्रोसोपिस जुलिफोरा देखो इस पे भी क्वेश्चन आया था हमारे ट्वेंटी एट के सी एस पी में सिविल सर्विस प्रस एग्जाम में कि प्रोसोपिस जुलिफोरा इज एन इन्वेजिव प्लांट ठीक है अब ये फैल गया है इन्वेजिव प्लांट है फैलेगा इसको जंगली किककर भी कहा जाता है इसकी वजह से भी जो हैबिटेट है वो थ्रेटन हो गया है सो बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस रीजन जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ गया है और इनके जो नंबर्स हैं दे हैव ड्री और और ये जो है, ये जो काफी है है अभी भी है, और ये नियर फ्यूचर के कम होने का भी कोई आ, हमें आसान दिखाई नहीं देता उसके बाद यूपीएससी में क्या इंपॉर्टेंट है देखो पहले इसका conservation, जो status था वो vulnerable से इनडेंजर्ड किया गया अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है नियर थ्रेटन 2016 में इसका स्टेटस फिर से नियर थ्रेटन कर दिया गया ठीक है अगर हम इंडियन वाइल्ड लाइफ की बात करें या हम एशियाटिक वाइल्ड लाइफ की बात करें आईयूसीएन स्टेटस नियर थ्रेटेंड ही है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो शेड्यूल वन में आता है अपेंडिक्स वन ऑफ साइट्स में इसका क्या मतलब है इंटरनेशनल ट्रेड जो स्पीशीज की है वो इलीगल है अपेंडिक्स वन में एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन मिलती है शेड्यूल वन में भी एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन मिलती है राइट right? सो so ये ये चीजें आपके लिए एक तरह से हिंट है कि जब भी कोई चीज शेड्यूल वन में होगी या अपेंडिक्स वन में होगी तो मतलब उसको एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन मिल रही है आईओसीएन स्टेटस इसका नियर थ्रेटनिंग है राइट right? उसके बाद इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है लिटिल रन ऑफ कच्छ में एंड दैट इज दी ओनली प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ वाइल्ड लाइफ इंडियन वाइल्ड लाइफ और इंडियन वाइल्ड लाइफ मोस्टली आपको लिटिल रन ऑफ कच्छ में ही मिलता है उसके अराउंड जो एरिया है वहां मिलता है इनफैक्ट इट इज द अल्टीमेट रिफ्यूजिया ऑफ एशियाटिक वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन इन सदर्न एशिया ठीक है तो इस लिटिल रन ऑफ कच्छ में ठीक है जो इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां पे इसके जो नंबर्स हैं वो काफी अच्छे हैं काफी ज्यादा इसको वहां पे प्रोटेक्शन भी मिलती है प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो लाइक आई सेट कि अभी जो इसके नंबर्स हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं दे हैव एक्चुअली शोन एन इंक्रीज ऑफ थर्टी परसेंट इन लास्ट फाइव ईयर्स सो दैट इज़ अ वेरी गुड इंक्रीज़ ठीक है of so good, uh, increase, अब ये जो लिटल रन ऑफ कच्छ है या गुजरात है यहाँ पे इसकी जो एस्टिमेशन है पॉपुलेशन एस्टिमेशन वो पाँच सालों में एक बार होती है ठीक है अभी uh, पाँच साल पहले इसके जो नंबर थे वो फोर्टी फोर 151 थे अभी 6000 इंक्रीज हो गया है ठीक है so सो 30 परसेंट इंक्रीज हुआ है सो दैट इज वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये जो एस्टिमेशन ऑब्वियसली गुजरात में होगी जहां पे लिटिल रन ऑफ कच्छ है क्योंकि लिटिल रन ऑफ कच्छ या ग्रेटर रन ऑफ कच्छ उसके आसपास ही आपको वाइल्ड लाइफ मिलता है जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइजेस और ड्रोन कैमराज की हेल्प से इसकी जो ट्रैकिंग है वो की गई राइट सो दिस वॉज रिगार्डिंग योर इंडियन वाइल्ड एस. अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि अगर आपसे पूछा जाए इंडिया में इंडियन वाइल्ड एस कहाँ मिलता है तो आप बोलोगे गुजरात में लिटिल रन ऑफ कच्छ में या उसके सराउंडिंग एरियाज में अगर आपसे पूछा जाए क्या वाइल्ड एस सिर्फ लिटिल रन ऑफ कच्छ में मिलता है तो आप बोलोगे एशियाटिक वाइल्ड एस आपको लिटिल रन ऑफ कच्छ में जो मिलता है वो इंडियन है और जो लद्दाख में मिलता है वो टिबिन है ठीक है लेकिन आईओसीएन स्टेटस दोनों का नियर थ्रेटेड है तो ये छोटे छोटे नुआंस हैं जो आपको नोट करने हैं एज फार एज योर प्रियम इज कंसर्न राइट सो दिस वॉज रिगार्डिंग इंडियन वाइल्ड एस इन केस यू हैव एनी डाउट आप प्लीज कॉमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर लिस